जगह है तुम्हारी बाप की है ढाली। रोको 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 हमें रोको 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 हमें रोको दबंगों ने महिला के ऊपर मोरम डालकर हत्या का किया प्रयास, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के इटावा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला के ऊपर एक ट्राले में भरी मोरंग को पलटने का प्रयास सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि एक ट्राले में मौजूद मोरंग को एक महिला के ऊपर डाल दिया गया जिससे महिला उसके नीचे दब गई। जमीनी विवाद को लेकर महिला के ऊपर ये काम किया गया है। इटावा जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक पक्ष ने अपने परिवार के लोगों पर जान से मारने की हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को लेकर गंभीरता से कार्यवाही नहीं की है। बताया जाता है कि पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाजीत का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो परिवार के लोगों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि एक महिला सड़क पर खड़ी थी, तभी उसके ऊपर दूसरे परिवार के लोगों ने मोरंग से भरी ट्राले को पलट दिया जिसमें एक महिला दब गई। इसके बाद वीडियो बनता देख आरोपी पक्ष ने महिला को मोरंग से बाहर निकालने का प्रयास किया। मोरंग की घटना के बाद रात में फिर परिवार के साथ हुई मारपीट है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाजीत इलाके में महिला के ऊपर जमीनी विवाद के चलते पहले तो ट्राले से मोरंग को डाला गया जिससे महिला दब गई, लेकिन बाद में उसको बचा लिया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस से शिकायत की है, पुलिस ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। बाद में एक दूसरे परिवार ने शिकायत करने वाले परिवार के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद महिला को कई चोटें भी आईं। इसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? नगला माजी थाना सिविल लाइन। क्या हुआ है आपकी पत्नी के साथ? पत्नी के साथ मारपीट हुई है सर। कैसे, किस बात पे, किन लोगों ने की है? ऐसे मेरे परिवार के लोगों ने की है। अच्छा, दिन में पत्नी मेरी जगह है नगला माजी, द्रौपदी देवी इंटर कॉलेज है। तो हम लोगों का डिवाइडेशन हो गया था, तीन भाई जी हम। तो हमने अपनी दुकान बना ली थी, तो उन्होंने पिताजी से फर्जी किरायनामा लिखवा लिया दवा बना के। हम सब बाहर रहते हैं, पत्नी और बच्चे घर पे रहते हैं। तो ये मना करने गई तो मेरा जो भतीजा है सीलू और छोटू और उसके माँ और पिताजी थे, तो ये अकेली थी। तो बालू कट्टा बालू रोकने गई तो ये खाली वो कर रहा था, उसका उछकाना हुआ, इसका वहाँ खड़ा होना हुआ, उन्हें धक्का मार दिया तो ये दब गई बालू में। बालू में दब गई तो जब वीडियो वहाँ बना रहे थे लोग, तो वीडियो देख के फिर वो निकालने लगी इसको, ये उसमें दब गई थी, पूरा पूरी बॉडी दब गई थी इसकी बालू में। फिर थाना सिविल लाइन गई, थाना सिविल लाइन में ऐसा साहब पारिवारिक मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ये घर पर वापस आ गई, घर पर वापस आ गई तो हम बाहर से आए, तो हम अपने पिताजी से बात करने गए स्कूल में, हम क्या चाह रहे कैसे। तो इतने में उन लोगों ने फाटक बंद करके मारपीट की, हम तो भागे इधर उधर से कूद के। अब महिला थी तो वो गिर गई, तो लाठी डंडों से और जो दारू भरते हैं वो सफल होगा, वो सफल उसके सर में मार दिया, उसके गंभीर चोट इसमें या इलाज दवा कराने लगा। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस यार कार्रवाई दिन में करती तो ये रात में ये घटना नहीं करती। जब पुलिस दिन में कार्रवाई करती तो ये दोबारा घटना नहीं करती।